नमस्ते दोस्तों। तो मैं अभी हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे और ये प्लान मेरा कुछ रैंडम सा बन गया। मतलब बहुत ही सडन मैंने ये ट्रिप प्लान की, क्योंकि टिकट्स बहुत ही सस्ती आ रही थी तो मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट बैंकॉक ट्रिप मार ही लेते हैं। और अभी मैं हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे और मुझे आने के साथ ही एक खुशखबरी मिली। अभी 2 दिन पहले तक यहाँ पे आप अगर वापस इंडिया जाते हो तो आपको रैपिड RT-PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत थी और जिसके लिए कुछ चार्जेस थे 4,500 या 5,000 इंडियन मनी, और 2 दिन पहले ही ये रूल डिसकंटिन्यू हुआ है। तो ये बहुत अच्छी एक खुशखबरी मिली, बेफालतू 4,000-5,000 रुपये क्यों वेस्ट करना है। तो अभी कुछ सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे 7 बजे पहुँची हूँ। बहुत ही स्मूथ था सब कुछ, वीज़ा ऑन अराइवल और कोई सवाल जवाब नहीं। खैर बैंकॉक में तो वैसे भी नहीं करते, बट फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही पिछले आधे घंटे से वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे होटल का चेक इन तो कुछ 2 बजे का है, जो कि इन सारे इन कंट्रीज़ में है, मतलब वियतनाम, बैंकॉक, ऐसी सारी कंट्रीज़ में 2-3 बजे का ही चेक इन होता है। तो मैंने सोचा अभी मैं सिटी में जाके भी क्या करूँगी। और कल तक यहाँ का वेदर था 28 डिग्री और आज यहाँ का वेदर है 23 डिग्री। मतलब बाहर इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है तो इसलिए भी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़ोरदार बारिश में क्या करूँ मैं जाके। तो अच्छा है, बेटर है एयरपोर्ट पे ही वेट करूँ। तो मिलती हूँ आपको होटल में। तो जाने अनजाने में एक छोटी सी गलती भी कर दी मैंने कि जो चीज़ मिल रही थी 2,000 baht में उसके लिए मैंने पे कर दिया 2,200। मतलब 4,500 की चीज़ मुझे कुछ 5,200 में पड़ी। मैं एक्सप्रेस के लाइन में लग गई वीज़ा के और मुझे नहीं पता चला कि यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन और एक एक्सप्रेस लाइन होती है। तो आप जब आओ तो ये गलती बिल्कुल मत करना। तो अब मैं सिम तो यहाँ से बिल्कुल नहीं लेने वाली। इतना क्राउड होने के बाद भी एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, डिसिप्लिन। लोगों ने सामने की जगह छोड़ के और दोनों साइड में खड़े हैं, ये इंडिया में कभी नहीं हो सकता। बैंकॉक की एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की ये हालत है, इतनी ज़्यादा क्राउड। मतलब मैंने पाँव मोड़ के मैं खड़ी थी, मतलब पाँव खोलने तक के लिए जगह नहीं था। मैंने हांगकांग में एक गलती की थी, मेरा फ़ोन मैंने टिकट काउंटर पर छोड़ दिया था और यहाँ मैंने वापस से वही गलती करी। अभी मैंने ये टोकन लेते टाइम पे मैंने मेरा फ़ोन टिकट काउंटर पे छोड़ दिया और मुझे याद भी नहीं था। और मैं बस नीचे आ गई प्लेटफॉर्म से और एक अंकल आए, कोई फॉरेनर अंकल थे, मुझे बोला तुम्हारा फ़ोन, योर फ़ोन अपस्टेयर्स। मैंने वापस से मतलब, और वहाँ पे लकीली वो काउंटर की जो लड़की थी वो मुझे ढूंढते हुए नीचे आ रही थी मेरा फ़ोन देने। अब पता नहीं ये मेरा सेकंड गुड लक है बैंकॉक में या फिर वो फ़ोन 11 प्रो था शायद, इसलिए मुझे रिटर्न मिल गया। एनीवेज जो भी था, बट बेस्ट था। मैं वैसे तो 10 साल पहले भी बैंकॉक आई थी और तब यहाँ पे लोगों को ज़रा भी इंग्लिश नहीं आती थी। 2011 में आई थी मैं, आप काउंट कर लेना कितने साल होते हैं। अभी यहाँ पे लोगों को काफ़ी इंग्लिश आ रही है, मतलब काफ़ी तो पता नहीं, बट जितना पूछ रही हूँ वो रिप्लाई तो इंग्लिश में कर रहे हैं। वाह, ईजी हो जाता है कम्युनिकेट करना, बहुत ज़रूरी है। जैसे तैसे इस बारिश में घसीट घसीट के अपना लगेज तो लेके आई हूँ। काफ़ी गीला हो गया है मेरा लगेज, एक तो एयरपोर्ट पे भी काफ़ी गीला हो गया था, मतलब उन्होंने जब लगेज को बेल्ट पे डालने के लिए किया होगा तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी। एनीवेज मेट्रो से ये सिर्फ 300 मीटर पे है और मैं मेरा होटल देख के सच बताऊँ तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि सच में ये मेरा होटल है। मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों से जाके पूछा यही है ना, आर यू श्योर, सब ने बोला हाँ यही है। तो यहाँ पे नाइट मार्केट भी है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे मैकडॉनल्ड्स, नाइट मार्केट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं शॉपिंग के लिए। एक बार आपको मेरे होटल का लुक दिखाती हूँ, आपको भी यकीन नहीं होगा, और देखो उसके बाद बताऊँगी प्राइस। मतलब कसम से मैं तो दंग रह गई। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा बुफे भी चल रहा है जो कि मैंने इंक्लूडेड नहीं लिया था। सिर्फ हार्डली आपको बताया 150 baht अगर मैं एक्स्ट्रा देती तो मुझे बूफे वाला मिल जाता, बट मुझे यकीन ही नहीं था कि कुछ अच्छा ढंग का मिलने वाला है, इसलिए मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। एनीवेज कैसा लगा आपको ये होटल, अभी मैं इसका प्राइस बताती हूँ। ये मैंने बुक किया है 1100 rupees में।
इस बारिश ने सारा मूड ही किरकिरा कर दिया है, ऐसे में कोई क्या ही घूमे। आप बताओ, बीच पे भी जाओ वहाँ पे भी सारी चीज़ें गीली गीली होंगी। बैंकॉक जब से लैंड हुई हूँ तब से मेरे साथ पता नहीं क्या चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। पहले तो वो कोविड टेस्ट का यहाँ से हट जा रहा, सेकंड मेरे फ़ोन का मिल जाया, एंड थर्ड ये होटल 1100 रुपये में। मतलब मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा है। एनीवेज गाइस, थक तो बहुत गई हूँ मैं, रात की मेरी सॉरी कल रात से मैं सोई नहीं हूँ, और अभी कुछ 11:30 बज रहे होंगे। होटल तो अभी तक नहीं मिला है, मतलब रूम तो अभी तक नहीं मिला है, शायद 2 बजे मिलेगा। तब तक यहीं वेट करना पड़ेगा, कुछ और नहीं कर सकते। अर्ली चेक इन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जो कि मैं पे करने वाली हूँ ही, क्योंकि मैं बहुत कंजूस ट्रैवलर हूँ। मुझे पहले आइडिया नहीं था कि मैंने जो रूम बुक किया है वो विदाउट वॉशरूम है, तो ये है यहाँ का शेयरिंग वॉशरूम, जो कि पहले तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। यहाँ पे आप देखो ये वॉशिंग मशीन वगैरह और ये लॉकर सिस्टम भी है, और अगर इधर जाएं तो ये है, क्या है ये तो टॉयलेट है, तो ऐसे कुछ 4-5 टॉयलेट्स हैं, और इधर ये सिंक एरिया है, और इधर हैं वॉशरूम्स जो कि बहुत क्लीन है। तो इसलिए अभी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि क्लीन है तो चलता है, और वैसे भी यहाँ पे मेरी बुकिंग सिर्फ 2 दिन के लिए है। आगे देखती हूँ क्या प्लान होता है, बैंकॉक में ही हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ, बताती हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे इस होटल लेने के पीछे जो सबसे खास रीज़न है, जो सबसे खूबसूरत पार्ट है इस होटल का, वो दिखाती हूँ। लेकिन लिफ्ट्स भी बहुत सारे हैं और वॉशरूम भी बहुत सारे हैं, तो आपको महसूस नहीं होगा, क्राउड तो बिल्कुल ही नहीं है, मुझे एक इंसान नहीं दिख रहा, जबकि रूम्स बहुत सारे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इतना तो 5 स्टार भी लोग नहीं घुमाते जितना मैं ये 9 स्टार प्रॉपर्टी घुमा रही हूँ, क्योंकि ये जैसे काफ़ी सारे बजट ट्रैवलर्स हैं उनके लिए ये बहुत नॉलेज मिल जाती है उन्हें कहीं जाने से पहले, कि कहाँ सस्ती जगह पर रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है। अभी जो मैंने आप लोगों को वॉशरूम दिखाया, वैसे वैसे 3 सेट्स हैं यहाँ पे, 3 सेट मतलब 3 वॉशरूम है। मैं लिफ्ट का बटन दबाने ही भूल गई। ओह, ये लिफ्ट शायद वहां नहीं जाता जहां मुझे जाना है, भाई तो खोल दे यार। और लिफ्ट्स भी काफी सारे हैं, मतलब क्राउड बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा। ये होटल वैसे तो बहुत बड़ा है।